हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्तिमयी दास ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं अभी मेरी मायके जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊँगी। अभी टाइम शायद 10:30 या 11 बज रहा होगा, तो अभी मैं मायके जा रही हूँ। उधर थोड़ा बहुत क्लिप दिखाने की कोशिश करूँगी और मेरे मम्मी को भी दिखाने की कोशिश करूँगी। तो चलो चलते हैं मायका। देखिए मैं अभी मेरे मायके पहुँच चुकी हूँ, मेरी मम्मी से मिल लीजिए। ये मेरी मम्मी है, यहाँ पर देखो चावल बना रही है चूल्हा में मेरी मम्मी। अरे सोनी इधर देखो, आगे आगे आ गई थी, इधर घूम रही है। तो गाइस मैं मेरी मम्मी के यहाँ मायके पहुँच चुकी हूँ और मम्मी यहाँ पर कुछ बना रही थी और पूजा वगैरह कुछ ओकेजन था। तो मेरे मायके में आते ही मुझे पता चला, मुझे पता नहीं, मैं तो घूमने से आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए मेरी छोटी बहन अभी मुझे कुछ काम पर लगा देगी। टमाटर का खट्टा बनाने को बोल रही है और खीर बनाने को बोल रही है, आप लोग सुन लीजिए और वो भी हमारी भाषा में सुन लीजिए। और आज जो पूजा था वो भागवत आप पता होंगे, भागवत और गीता ये सब होते हैं, भागवत जन्म का आज पूजा था, वही ओकेजन था। तो मेरी मम्मी 4-5 विधवा लेडीज को खाना खिलाती है, उन्हीं के लिए खाना बन रहा था। आज कौन है भाई? ये हमारे गाँव कर दो। तो गाइस थोड़ा मैं अपने मायका का मायके दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। इधर देखिए सामने पापा बैठे हैं, कुछ पाइप का कनेक्शन का काम चल रहा है। और ये देखिए ये जो बुक है ना भागवत, इन्हीं की आज पूजा है। और हमारा दोनों साइड भगवान का मंदिर है, ये साइड जगन्नाथ है, प्रभु जगन्नाथ। और इस साइड में देखिए ये हमारा गुरु है जो ठाकुर अनुकूल चंद्र, पापा इनकी दीक्षा लिया हुआ है तो उनको इधर एक साइड बिठाया है। और थोड़ा बहुत ऐसे व्यू दिखा देती हूँ बस घुमा के। और यहाँ पर देखिए मैं खटा बनाने के लिए रेडी हो गई, खटा लगभग बना लिया, फिर कैमरा उठाया क्योंकि बहुत बिजी चल रहा था काम। तो यहाँ पर देखिए मैं खटा नहीं बन चुका था ऑलरेडी, कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। और ये खीर है और इस साइड खट्टा है। मम्मी डालमा बना चुकी है और चावल भी बना चुकी है, बस मैं ये दोनों रेसिपी बना लिया आके। और मेरे मम्मी और छोटी बहन सुबह से लगे पड़े हैं और मैं आई उनको बताया था मैं आ रही हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं। मैं आके तो सरप्राइज हो गई, ये क्या चल रहा है। तो चलो कुछ बता देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर खट्टा बना रही हूँ। अभी यहाँ पर पूरा खाना बन गया है, देखिए खीर बन गया है और ये डालमा उड़ीसा का और ये है खट्टा टमाटर का। देखो ये टमाटर का खट्टा है, बाद में इधर पसोगे और भी अच्छे से ले जा सकते हैं। चावल बन रहा है, यहाँ पर सोनी खेल रही है, ये है मामूनी मेरी छोटी बहन की लड़की, एक ही लड़की है। यहाँ पर देखिए मेरे पर देखिए खाना वाना सब खा चुके थे, मैंने कोई सूट नहीं बनाया। तो यहाँ पर मेरी मम्मी और साइड में मेरी मम्मी की छोटी बहन और मेरी मौसी होगी और ये परी यहाँ पर कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं। और बच्चों के बातें तो अच्छे होते हैं, परी भी बहुत अच्छे अच्छे बातें करती है और कुछ अपने आप से कुछ बनाई है, जैसे बोल रही है कि मैं खुद से गाना बनाई हूँ, कुछ रंग से मतलब गा रही है कोरोना के ऊपर और माता पिता के ऊपर, वही आप लोग सुन लीजिए।
सब जानी जानी कौन नाम गणेश बिजनेस अभी यहाँ पर देखिए मेरे छोटे पापा के लड़का जो मेरी भाई है छोटा भाई है और ये लड्डू लेके आई है सोनी को खिलाने के लिए क्योंकि सोनी अच्छे से बोलती नहीं, 4 साल की हो गई है तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ बोलते हैं मामा अगर अपने हाथ से लड्डू खरीद के और रोड पे मतलब रोड को हम बाटो बोलते हैं बाहर रोड पे उसको रख के फिर उठा के अगर भांजा भांजी जो भी हो उसको खिलाएगा तो वो बात करेगा तो इसीलिए वो हम बोलते हैं तो वो फरमाइश हम पूरी करते तो वो लड्डू लेके आया था मेरा छोटा भाई तो उसको खिला रहा है अभी यहाँ पर देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ पापा के साथ कटक जाने के लिए तो कटक जा रही हूँ मेरे कुछ कुर्ती और लेगिन वगैरह लाने के लिए तो जाते टाइम मैं कुछ व्यू दिखाना चाहती हूँ। अभी पानी कितना हो गया है हमारा महानदी में तो बारिश का टाइम है देखिए फुल पानी, जब मैं आई थी तब इतना पानी नहीं थी। अभी देखिए मैं दिखाते हुए जाऊँगी, ये देखिए हमारा केनाल भी पूरा भर के पानी चल रहा है। ये छोटा वाला ब्रिज है महानदी का और उससे पूरा बड़ा जो हमारा आनी कट बोलते हैं उसको तो वो ब्रिज के ऊपर जाते हुए आपको दिखाऊंगी कितना भर के पानी चल रहा है। ये देखिए गाइस कितना पानी है और एक एक जगह पे मैं साउंड भी सुनाऊंगी कितनी तेज साउंड आ रही थी पानी की, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, आप देख लीजिए और सुन भी लीजिए। अभी मैं करीब 5 बजे 4:30 से 5 बजे के अंदर का टाइम था, मैं पापा के साथ जा रही थी कटक तो शोरूम में वहाँ से कुर्ती वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पर सनसेट बहुत अच्छे से दिखाई देता है लेकिन अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि बारिश का टाइम है, बादल था और छांव भी हो रहा था इसलिए नहीं दिखाई देता, नहीं तो यहाँ से ना ये जो दिख रहा है ना सर यहाँ पर सनसेट बहुत अच्छा लगता है। तेज पानी बहाव हो रहे हैं, यहाँ पर एक गेट खोल रखा है ना तो पानी पूरा छोड़ रहा है, बहुत साउंड आ रहा था।
और ये जो नदी है महानदी रिवर, ये उड़ीसा का सबसे बिगेस्ट नदी है, बड़ा नदी है ये। अभी देखिए गाइस, हम ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ ये हम कटक के पास जा रहे हैं। और जो ब्रिज के पास जो क्रॉस करते हैं वो जो जगह है वो लोकेशन हम जोबरा बोलते हैं। जोबरा एरिया में चल रहे हैं, अभी कटक के तरफ जा रहे हैं। और गाइस ये दिखाई दे रहा है जो, ये है कटक का म्यूजियम। और ये जो म्यूजियम है यहाँ पर समुद्री जीव का वो सब देखने को मिलेगा। अभी हम जो मॉल है उसको एम बाज़ार बोलते हैं, मेट्रो बाज़ार, उधर हम करीब हो चुके थे। और मेट्रो बाज़ार के अंदर मैंने कोई शूट नहीं किया, और जब निकले थे तो रात का व्यू थोड़ा मैं कटक का दिखा रही हूँ और कुछ नहीं शूट कर पाई। तो अभी देखिए गाइस, अभी अंधेरा हो चुका था, हम 5 बजे करीब निकले थे। हम ठीक जो मेट्रो बाज़ार है उसी के नीचे मैं खड़ी हूँ। पापा गाड़ी निकालने के गए हैं, गाड़ी पार्क किया हुआ था तो वहाँ से हमने कपड़े वगैरह सब कुछ खरीद लिया था। अभी पापा देखिए स्कूटी लेके जा रहे हैं। हम लोग निकल गए थे, करीब 7 बज गया था हमको मेट्रो बाज़ार से निकल गए। देखिए मैं दिखा रही हूँ एम बाज़ार मतलब मेट्रो बाज़ार। तो अभी मैं रात के टाइम कटक का थोड़ा बहुत व्यू आप लोगों को दिखाऊँगी, आप लोग बस एन्जॉय कीजिए। अभी देखिए गाइस, हम लोग वो रोड पकड़ लिए हैं। देखिए एक केनाल नया बना हुआ है, केनाल इतना चौड़ी नहीं थी, अभी नया बना है, बहुत अच्छा सुंदर कर लिया है कटक को। और हम वो रोड पकड़ लिए हैं जहाँ पर आई लव कटक लिखा हुआ है, मैं दिखाऊंगी आप लोग देखिए। और ये जो केनाल है ना इतना सुंदर बना दिया है, इस पर मैं 2 साल के बाद आके देख रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं जब स्टेशन से जा रही थी भी आपको दिखा रही थी, तब ये रात का टाइम है, रात का व्यू थोड़ा आप लोग देख लीजिए। Thank you.
ये देखिए गाइस, मैं आई लव कटक लिखा हुआ है आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए उतर के इसको रिकॉर्ड कर रही थी, पापा बोल रहे थे उस तरफ जाने के लिए, मैंने मना किया क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी और सोनी जग गई होगी तो यहाँ से कर रही थी। लेकिन आगे देखिए कितने सारे लोग खड़े होके उसी का फोटो ले रहे हैं, इसलिए थोड़े अच्छे से व्यू नहीं आ रहा था। तो चलो गैस घर चलते हैं। देखिए गाइस, हम लोग हमारा बीच के तरफ आ गए हैं, तो हमारा घर यहाँ से बहुत कुछ ही देर में पहुँच जाऊंगी। और मैं सोनी के लिए ऊपर जो हमारा नदी बंद है वहाँ से मैं कुछ खिलौना लेके गई थी सोनी के लिए। अभी पापा और मैं आगे एक टॉय शॉप है इधर हमारे नदीबंद के ऊपर, वहाँ से हम कुछ टॉय लेके गए थे सोनी के लिए। और आप लोग देख सकते हो रात का व्यू कैसा है हमारा नदीबंद का, देखिए। टॉय शॉप से हम टॉय लेंगे। और हम सोने के लिए टॉय लेके देखिए वापस उधर से आ रहे हैं, हमारा ये नीचे जाना है। तो पापा यहाँ पर मुझे बोल रहे हैं चाट खाने के लिए, मैं मना कर रही हूँ, बहुत लेट हो चुका है, सोनी रो रही है। थोड़ी आ जाओ बगुनी, नहीं 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 वो खाई भी नहीं, चलो घर को चलो। अरे वो देख लो अजय वो लोग खाई भी नहीं अभी क्या, घर को जाओ चलो। मुझे एक ना भूख ना घर के लोग खाया चाट हम अरे फालतू खाते चाट खाई मना कर और यहाँ पर देखा आपने सुना पापा आगे चले गए तो फिर मैं वापस लेके देखिए हम नीचे आ गए हमारे गांव की तरफ जा रहे। और ये मेरे ससुराल का गली गया ये जो लेफ्ट साइड में, और आगे जाने से मेरा मायका है। और यहाँ पर से पापा है सोनी मामूनी और पापिना के लिए लेज वगैरह लेके गए, बोले बच्चे है उनके लिए कुछ लेके जाना चाहिए, पूछेंगे नाना जी क्या लेके आए हो। यही रास्ता रे लोग रात का भी देख लीजिए हमारे घर का, देखिए ये लोग कलर एंड हो जल्दी करके वो मेरा मायका है, इसके साइड में मैं हमारे ससुर के पापा जी का शॉप है। ये कहां करे से लोग कोड़ा का मुश्किल कोड़ा का बंद कर दी। तो गाइस मैं अभी घर पहुंचने ही वाली हूं, तो मेरा आज का ये वीडियो माइकअप ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। रहती हूं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी, तब तक बाय बाय।